अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज अजय विद यू, वेलकम टू माय YouTube चैनल। आज के सेकंड वीकेंड व्लॉग में आपको शामती, आपको आज हम आपको फ्रेंड्स ले जाते हैं, फिर बाकी भी उठ के आपको भी तैयार होकर फिर बाकी दिखाता हूं। हे गाइस, हम हो गए तैयार, उम्मीद है मैं आपको प्यार ही लग रहा होगा, है जी नहीं जी गाइस, यहां पे बारिश का मौसम है, आप देखते हैं हम फ्रेंड्स जाके आपको क्या क्या दिखा सकते हैं। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। फर्स्ट टाइम देखने जा रहा हूँ एक्वेरियम, ये जो अभी नया बना है तो इकट्ठे देखते हैं जी मेरे साथ। और हाँ, यहाँ पे मैं जब गया था, जब नया नया था, मैं यहाँ पे ना कपिल शर्मा शो में जो हो रही है, एक लड़की आती है, उसका नाम अभी याद नहीं, और एक था, एक लड़का था मॉडल था, उसका एक सीजन भी आया है नेटफ्लिक्स पे ना, कि अचानक हमें मिल गए थे, मैंने उसके साथ फोटो भी बनाई थी, मैं हो सकता है फेसबुक से डाउनलोड करके ना अभी मैं आपको दिखाता हूँ साथ में। तो यहाँ पे बहुत इंडियन भी आते हैं, बॉलीवुड एक्टर्स भी आते हैं जी, यहाँ पे 6 अंडरग्राउंड मूवीज बनी हुई है हॉलीवुड की जो बहुत मशहूर है, उसके अलावा जो मनी हाइस्ट है जो नेटफ्लिक्स पे बहुत मशहूर है, वो बर्लिन और प्रोफेसर यहाँ पे रुके थे, बकायदा एक होटल में उन्होंने प्लानिंग की थी, आपने देखा होगा। अगर किसी ने आना है इटली का टूरिस्ट वीजे पे आना, किसी ने, मैं उसको जो प्रेफर करता हूँ कि वो फ्रेंड्स भी जरूर देखे। टूल टैक्स पे करेंगे जो है ना अपने जल्दी से ऐसे मोबाइल जल्दी करेंगे और जो पेमेंट हो जाएगी और हम इसको वापस रखेंगे और शीशा पर करेंगे और आरी विदेश शिग्रास से। हाँ जी गाइस, हम फ्रेंड्स पहुंच गए हैं, ये है संता मारिया नोवेला ट्रेन स्टेशन जो फ्रेंड फ्लोरेंस का बहुत मशहूर है, और इसके एक्वेरियम बना हुआ है सोतो पोंतो अंडरग्राउंड, यहाँ से निकलते हैं तो हाँ यहाँ पे आप सेंटर जो इनका सिटी फ्रेंड का फ्लोरेंस का जो सेंटर है आप उसकी तरफ यहाँ से रवाना होना होता है, और आपको काफ़ी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं, काफ़ी ब्रांड के जो है ना वो आपको चीज़ें मिल जाती हैं, हर चीज़ अवेलेबल दिया है। तो भाई आप चलते हैं, हम पहले स्टेशन चलते हैं, फिर आप भी जो है ना उधर से निकल के फिर हम उधर चले जाएंगे, ठीक है जी। हम वैंकी पॉइंट के, अभी हम दिखाते हैं यहाँ की जो चॉकलेट्स और रोस्टी भी बहुत मशहूर है, खुद आप यहाँ पे ये ले लें अपने शॉप पर और अपनी मर्जी की जो चॉकलेट्स हैं ना वो आप पिक करके आप ले सकते हैं, ये हर टाइम आइसक्रीम चॉकलेट डिश ले जाती है। हाँ जी गाइस, अभी हम नहीं जा रहे हैं एक्वेरियम देखने के लिए, आपको दिखाते हैं। हम आ गए हैं बाहर, आप ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलने तक जो है ना वो आपको मज़ा आ जाता है, और आपकी हर चीज़ आपको मिल जाती है, सारे ब्रांड नीचे हैं, सब कुछ है यहाँ नीचे, थोड़ा शॉपिंग मॉल बना हुआ है। हम आपको नाइट व्यू दिखा रहे हैं जी फ्रेंड्स का, फ्लोरेंस का, अभी बारिश हो गई है, बस अभी हम पैसा दमो जो फ्रेंड का मशहूर जो पॉइंट है उधर एंटर होने लगे हैं, जहाँ पे सारी दुनिया आती है, अभी थोड़ा अच्छा काम है क्योंकि बारिश है और अभी रात का टाइम है, मौसम कह रहा है, लेकिन ये जो है जो पैसे दो में जी ये मशहूर है, यहाँ पे जो चर्च है जिसके ऊपर जिसका दरवाजा गेट है सोने का, वो भी दिखाते हैं, ये बाहर है जी बहुत महंगी, आप अंदर बाहर बैठेंगे तो 10 रुपये काफ़ी होगी, अंदर बैठे होगी, यहाँ पर जो भी दुकानें हैं सब महंगी हैं, ये सारे सेंटर है, यहाँ पर सुबह जहाँ रश होता है यहाँ बंदे, ये इधर स्केल के घूम रहे होते हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ, जो सोने का दरवाजा मैं आपको अभी उधर लेके जा रहा हूँ, जो गोल्ड का जो है ना, देखिए पिक्चर बना रहे लोग यहाँ से, वो शिप आते हैं, यहाँ पे रश होता है जी, यहाँ पे हर टाइम पुलिस की गाड़ी डिफरेंट किस्म की, ठीक है, होती हैं, उस तरफ जाएँ तो आपको और चीज़ भी मिलेंगी, ठीक है। ये है जी दरवाज़ा जो सोने का, जो देखिए अभी भी यहाँ पर रश, हर यहाँ पर कोई ना कोई बंद रहता है, यहाँ पर ये सारा गोल्ड लोग यहाँ फोटो बनाते हैं आके स्पेशल, भैया जी ना इन्होंने ये बुत बनाए हुए हैं ना, ये हर बुत की एक अपनी स्टोरी है, यहाँ तक इस बिल्डर के ऊपर ये देखे इतनी ज़्यादा फोटोज है ये बने हुए हैं ना, ये इसकी क्या अपनी स्टोरी है, कोई हिस्ट्री है काफ़ी, एक 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 बुत की, ये हर जगह बुत बने हुए हैं, ये देखें, ये आपको ऊपर से लेकर नीचे तक बुत ही नजर आएंगे, पता कौन कौन से किंग हैं और कौन कौन से वजीर हैं, और ये देखें कितने कितने बड़ा हुआ है बुत, उन्होंने ये बनाए हुए हैं हर जगह, ठीक है जी। तो ये स्टोरी पे स्टोरी यहाँ पे बकायदा होते हैं वो जो साथ साथ गाइड करते हैं, बताते हैं जो गोरे आते हैं ना, उनके सारी सुनाते हैं स्टोरी सारी, इसके अंदर भी बहुत स्टोरी है, काफ़ी बड़ा लंबा देख बना रहा है,
हाँ जी, ये है जी गोल्ड गेट। हाँ जी गाय, ये दूसरी साइड है, ये देखें इसकी लेफ्ट साइड, आपको मैं पहले फ्रंट साइड दिखाया, तो ये भी हम इसकी दूसरी साइड पे जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा तरीही शहर है, ये देखें कि जिन्होंने ये बनाया है पता नहीं कितने सालों पुराना है, हज़ारों साल पुराना है। ठीक है, ये देखें इसको ऐसे तराश के बनाया हुआ है, फ़ोटोज़ और डिज़ाइनिंग इतनी शान, इतना काम किया हुआ ना इसके ऊपर। और ये देखें ना, ये उसके साथ साथ डेंडिंग पेनिंग भी रखते हैं, ये नहीं कि इसको जो है ना बस अपने हाथ में छोड़ते हैं, खराब होता खराब होता रहे, क्योंकि उनको इनको पता है कि यार ये एक चीज़ है, तरीही चीज़ है, इसको हमें देखना संभालना है ताकि लोग इसको देखने आते हैं। ठीक है, ये डेंडिंग पेनिंग जो है ना सारा रखते हैं इसके साथ साथ। हम जा रहे हैं वापस, तो मैं चला जाऊँ। हम गाड़ी बैठ गए वापस दोबारा, और अभी हम जाने डिनर करने यहाँ जी गाड़ी। ये हमें रास्ते में मिला, ये भी अच्छा मशहूर है, क्राउन इंडिया रेस्टोरेंट है, इंडियन और हलाल फूड है। मैं फोन करके पता कर दिया, इसमें रिजर्वेशन चाहिए, लिखा हुआ था रिजर्वेशन है, लेकिन हम तो वैसे ही आ गए। ठीक है, सो गाइस ये इन्होंने स्टार्टिंग में दी है, और ये साथ चार किस्म की चटनी है, तीन किस्म की चटनी और एक अचार है। तो है ना, ये इमली वाली चटनी है, ये पुदीना है, दही का मजा आ गया। ये मम्मी ने खा ये स्टार्टर जो हमारा वो दही बने से है। हम खाएंगे दाल मखनी, सही ना पाकिस्तानी खानों का जो जायका है, इंडियन खाना का वो आ रहा है, सही ऐसा लगा जैसे घर में बना रखा ना, साथ में आप पटेल थोड़े खाए। अभी है ये चिकन बिरयानी, स्पाइसी लग रही है, देखते हैं खाल चेक करते हैं, जबरदस्त मज़ा आ रहा है, टेस्ट बहुत अच्छा जी, लाइट सा टेस्ट है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल समझे कि हल्का सा है, तो इतना वो नहीं है स्पाइसी, हर बंदा खा सकता है, जिस बंदे को स्पाइसी नहीं पसंद वो भी खा सकता है। हाँ जी, अभी आ गई है चाय, मसाले वाली चाय, मजे की है जी, बहुत मजे की है, जायके दोबारा जी, जायके दोबारा। हाँ जी गाइस, हमने खाना खा लिया, अभी मैं जाके पेमेंट करता हूँ, खाना तो हो गया, अभी हम पेमेंट करेंगे। हमारे सिस्टर है, उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी है, और ये ओनर्स हैं। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको खाना बढ़िया लगा? जी बहुत अच्छा लगा, खाना टेस्टी था, ज़बरदस्त क्वालिटी थी। हाँ जी, फुल देसी। तो सभी व्यूअर को हमारी तरफ से गुड इवनिंग, आप भी आइए क्राउन ऑफ इंडिया, इंशाल्लाह वी आर फाइन सर, नियर ट्रेन स्टेशन संता मरियम वेला। या ये बहुत फायदा है कि ये ट्रेन स्टेशन के नज़दीक है, जो है ना वैरायटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ज़रूर आइएगा यहाँ पे, मैं भी पेमेंट करता हूँ, फिर इंशाल्लाह फारग हो जाता हूँ। गाइस, सो हमने खाना शाना खा लिया, क्राउन ऑफ इंडिया संता मरियम नोवेला के पास ही है, नज़दीक इतना दूर नहीं है, रेस्टोरेंट इंडियंस ओनर्स हैं, हलाल फूड है, और बहुत अच्छा स्टाफ है, और खाना क्वालिटी में बहुत अच्छा है, और प्राइस में भी बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। फिर सेलिब्रिटीज यहाँ पे हो के चले गए, हमें वो बता रहे थे, अमरिंदर गिल हो गया, आगा खान हो गया, पाकिस्तान एक्टर्स और भी काफ़ी एक्टर्स वगैरह यहाँ पे आते रहे, तो आप भी जरूर जब फ्लावर्स में आएंगे तो क्राउन ऑफ इंडिया ट्राई कीजिएगा। ओके गाइस, अभी हम घर जा रहे हैं, तो यहाँ पे एंड ऑफ व्लॉग्स करते हैं, तो 9:30 हो गए हैं जी, रात के 10 होने वाले हैं, अभी हम फ्रेंड्स में ही हैं, तो अभी आधा घंटा ड्राइव है मेरे यहाँ से 25 मिनट की। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक थम्स दबा दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बढ़िया कैंट कैंट नवी वीडियो आंदा वे ने, तो वेखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।